हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिलने वाले हैं बिना अस्तर वाला ब्लाउज। तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में इस पे निशान लगा लिए थे और इस ब्लाउज़ को कट कर लिया था। अगर आप इस वीडियो की कटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में इसका लिंक हमने शेयर कर दिया है, अब वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने तीन निशान लगा लिए थे ये तीन, और इसके बाद हम इस निशान को दूसरे वाले पल्ले पर उतार लेंगे। यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे सेम वैसे के वैसे ही, जैसे कि ये निशान लगा रखे हैं हमने। तो अब इस पल्ले में हम प्लेट्स डाल लेंगे। पल्ले पे चारों प्लेट डाल ली हैं। ये आर्म होल की प्लेट है, ये हमारी चेस्ट की प्लेट है, ये हमारी साइड चेस्ट की प्लेट है, और ये हमारी सेंटर प्लेट है। सेंटर प्लेट कम से कम 1.25 इंची के मार्जिन पे होनी चाहिए। तो सेंटर प्लेट 1.25 इंची के मार्जिन से आपने स्टिच करनी है, और बाकी ये वाली प्लेट 1 सूत के मार्जिन से, और बाकी ये साइड चेस्ट प्लेट और आर्मोल प्लेट आधा आधा इंच के मार्जिन पर आपने एक एक पैर आधा आधा इंच के मार्जिन से आपने स्टिच करनी है। इसी तरीके से आपने दूसरे पल्ले के भी प्लेट डाल लेनी है। तो ये हमारे फ्रंट हुक साइड की पट्टी है, तो ये हमने 3 इंच की पट्टी काट ली है। अब आधा इंच के मार्जिन से इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज के हुक साइड की पट्टी है, तो ये हमने 4.5 इंच की पट्टी काट ली है। नीचे हम लेंथ को फोल्ड कर लेंगे। आई पट्टी के ऊपर निशान ऊपर रखकर हम दूसरे पट्टी का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारी बैक है, हमने बैक पर पहले से ही कुटके लगा लिए हैं प्लेट के लिए, और इसमें भी इसी मार्जिन से हमने प्लेट्स की सिलाई लगा लेनी है 1.25 इंची के मार्जिन से, जैसे कि हमने अपने सामने की सिलाई लगाई थी। तो हमने अपने बैक की लंबाई को भी हम इस तरीके से कच्चा मार लेंगे। अब आप देख रहे होंगे मैंने फ्रंट के दोनों पल्लों को अलग अलग नीचे से लंबाई फोल्ड कर ली है, और बैक की भी अलग तरीके से मैंने फोल्ड कर ली है। तो ज़्यादातर लोग पहले नाप जोड़ते हैं और उसके बाद लंबाई को फोल्ड करते हैं पूरे ब्लाउज़ की, तो इसलिए हमने इसलिए अलग अलग फोल्ड किया है ताकि बैक में झोल ना आए। ज़्यादातर लोगों का झोल आ जाता है, पट्टी खिंचाव मारती है, ब्लाउज़ के अंदर फिनिशिंग नहीं आती है बिल्कुल भी। तो हम अब एक सेंटर का निशान लगा लेंगे, और सेंटर के निशान में जैसे इसकी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और कमर हमारी है 38, तो 9.5-9.5 इंच पर दोनों साइड हम एक निशान लगा लेंगे। फ्रंट के दो इसी तरीके से अपने फ्रंट के दोनों पल्लों पर हम निशान लगा लेंगे। अब हमने फ्रंट और बैक पर निशान लगा लिया है, अब इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि हमारे बैक का आर्म होल थोड़ा सा बढ़ती हो रहा है, तो इसको हम हल्के हल्के हाथ से ट्रिम कर लेंगे। अपने गले के लिए पुरेव की पट्टी काट लेंगे।
जो ये बचा हुआ मार्जिन है इसको हम हल्के हल्के हाथ से काट लेंगे, बिल्कुल इसे प्यार से काटना है ताकि आपका मार्जिन ना कट जाए। अब इस पर हम कच्चा डाल लेंगे। अगर आप कच्चा ना डालना चाहो तो एक लब की सिलाई मार लोगे, उससे क्या होगा गले के अंदर और सुंदरता बढ़ जाएगी। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।